सामने से नदी बह रहा है। वाह, ऐसे नज़ारे जो है शिमला मनाली में है। ओ भाई साहब, पता है ना, बर्फ की सिल्ली में चल रहा हूँ ऐसा लग रहा है। वाह, इसी पानी से होते हुए हमको जाना होगा। हेलो, नमस्ते, जय जोहार संगवारी हो, मैं हूँ दीपक। आज हम आपको लेकर जाने वाले हैं मंदाकिनी पॉइंट। मैन पार्ट होम स्टे के पास एक बहुत ही खूबसूरत सा वाटरफॉल है, तो वो लगभग 5 से 6 किलोमीटर का ट्रैकिंग है जो हम करेंगे। पर आप लोग जब आएंगे तो पूरा होम स्टे से हम ट्रैकिंग करते हुए यहाँ तक पहुँचेंगे। इसका रूट इतना खूबसूरत है, इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। अच्छा, ठीक है, तो वीडियो पूरा देखिएगा। अगर वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए, इससे हमारी वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहेगा। तो अभी जहां से हम ये ट्रैक स्टार्ट कर रहे हैं, एक्चुअली ये ट्रैकिंग रूट का एक हिस्सा है, तो यहीं से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। एक्चुअली करना तो बहुत दूर से था, फिर मन नहीं कर रहा था, फिर मैं बोला स्टार्ट कर देते हैं यार, क्योंकि ट्रैक रूट इतना ज़्यादा खूबसूरत है। ये ट्रैक बड़ा ही एडवेंचर है। एडवेंचर कैसे है, जंगलों से होते हुए छोटे छोटे नदी नालों को क्रॉस करते हुए हम वाटरफॉल तक पहुंचेंगे। बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, चलिए आपको लेकर चलते हैं। दोस्तों, एक जिज्ञासा जाग गया था मेरा कि ये पानी जो घर घर तक पहुंच रहा है वो कहां से आ रहा है। तो ये आ रहा है मंदाकिनी वाटरफॉल से। यहां से लगभग 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ तो हम सूखे में आ गए थे, पर यहाँ से हमको, ओ भाई साहब, पानी इतना ठंडा है, क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा ठंडा है। ओहो, ऐसा लग रहा है किसी बर्फ के सिल्ली में चल रहा हूँ। पर ये ट्रैक बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, इसलिए चल जाएगा ये। पर कितना सुंदर ये ट्रैक हम खोज रहे हैं, इस बात की बहुत खुशी है। अरे वाह, बड़े बड़े पत्थर भी है इधर। ओह, अब यहाँ से ऊपर जाना होगा, और यहाँ पानी जो है जंगलों और झरनों से आ रहा है। यहाँ पर पानी 12 माह निरंतर इतना ही आते रहता है, ये खास बात है। चलिए चलते हैं। ओहो, बहुत ज़्यादा ठंड है यार भाई। पानी ठंडा है कि नहीं डीगा? ठंडा है ना? अरे यार, बहुत ठंडा है भाई। ओहो, अब हम वाटरफॉल के पास पहुंच रहे हैं। बहुत आवाज़ तो आ रहा है, पर अभी भी दूर है, ये है बात। अभी पानी कम हो गया है इसमें, ये देखिए। यहाँ पर तक मैं आया हूँ, मेरे दोस्त वहाँ पर हैं, और यहाँ पर से कुछ इस तरह का नज़ारा है। तो ये हमारा फर्स्ट रेस्ट पॉइंट है जहाँ पे हम रुकवाते हैं, और यहाँ से भी पानी थोड़ा थोड़ा आ रहा है, देख सकते हैं। और लास्ट टाइम जब हम यहाँ आए थे तो यहीं पर बैठे थे, यहीं पर लेटे थे, है ना, खूबसूरत जगह। देखने से ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा मछली है, लग रहा है ना देखने से, ये एक मछली है। इस तरह का यहाँ पर बहुत सारा पत्थरों पर आकृति बनता है। ऊपर में कुछ लोग हैं जो कांदा कोड़ रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर। मेरा
ये देखिए, तो ये पहाड़ी पुरवा है जो कांदा खोज रहे हैं। दिनेश भाई, ये वाला है क्या कांदा? ये वाला है कांदा? हाँ। तो इसको कैसे खोजेंगे ऐसी? ये देखिए, अब दिनेश भाई जो है इसका खुदाई कर रहे हैं यहाँ से, और एक खोज के दिखाते हैं किस तरह से ये खोजते हैं। और जंगल जंगल इसके लिए मतलब भटकना पड़ता है, तो सुबह से तो शाम हो जाता होगा भाई आपको, आधा आधा किलो मिल जाता होगा? हाँ, जब भी निकले तो मिल जाए। अच्छा, देखिए खोद के निकाल रहे हैं। अच्छा देखा भाई, ये देखिए ये कांदा है। तो अभी हम वाटरफॉल के पास जस्ट पहुँच ही गए हैं। देखिए वो यहाँ पर वाटरफॉल में पानी नहीं है। चालू कर, तो यहाँ पर पानी आ चुका है। इसके अलावा यहाँ पर भी एक झरना है, इसका जो दूसरा पार्ट है वो आपको दिखाते हैं। यहाँ चढ़ना पड़ेगा इधर। दोस्तों अगर आप लोग भी यहाँ पर आना चाहते हैं तो आप मैन पार्ट होम स्टे से कांटेक्ट कर सकते हैं, और बहुत ही खूबसूरत जगह है। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा भाई, दो दिन से यहाँ पर घूम रहा हूँ पर एक मिनट भी बोर जैसा नहीं लग रहा है। और देखिए यार क्या ही बोले भाई, सामने से नदी बह रहा है, वाह। ऐसे नज़ारे जो है शिमला मनाली में हैं, पर अपन भी शिमला में हैं, छत्तीसगढ़ के शिमला। भैया ये अपना अलग ही इसका सब वाइब है यार, एक बार तो आपको आना ही पड़ेगा। दोस्तों बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल था। अब हम जा रहे हैं फिर से अंदर, अब दूसरे रूट से जा रहे हैं, मतलब रूट भी बनाना है क्योंकि आप लोग आने वाले हैं, तो उसके लिए रूट बनाते जा रहे हैं। अरे वाह यार, ये पेड़ को तो देखो यार, दो पेड़ है और दोनों एक पत्थर को वो पकड़ा हुआ है, ये दूसरे पत्थर को पकड़े हुआ है, उधर भी कई सारे पेड़ हैं, वाह। वाटरफॉल को चालू कर दिए हैं, तो यहाँ पर भी पानी बढ़ गया है, इस साइड भी पूरा पानी आ गया है, तो पानी का लेवल ज़्यादा हो गया होगा। इस पेड़ का सुंदरता देखिए, यहाँ पर कोई सा पेड़ है वो पूरे पत्थरों को जकड़ा हुआ है, देखिए और उसका जड़ नीचे तक है, ऐसा लग रहा है ये पत्थर को बांध के रखा हुआ है। और इस पेड़ को देखिए, इसमें तो दो तीन पेड़ एक साथ हो गए हैं और ये ऊपर से ऐसे डाउन हो गया है, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। मगर फिर से पानी में जा रहे हैं, अब हम वाटरफॉल देखकर फिर से घर की ओर जा रहे हैं। ओ भाई साहब, पता है ना, बर्फ़ की सिल्ली में चल रहा हूँ ऐसा लग रहा है, बहुत ज़्यादा ठंड है। ओ वाह, क्या ट्रैक रूट है, इसी पानी से होते हुए हमको जाना होगा, ये हमारा ट्रैक रूट है। तो यहाँ पर जो बकरी हैं उनके लिए चारा भी लेके जा रहे हैं, मतलब पत्ते लेकर जा रहे हैं जंगल से। और देखिए पानी हमारे साथ चल रहा है, ये पानी पहाड़ों से होते हुए ये यहाँ तक पहुँच चुके हैं, और यहाँ पर से ये नीचे घर है, यहाँ तक पानी आता है। दोस्तों घूमते घूमते हम पहुँच चुके हैं एक बहुत ही खूबसूरत से घर में। ये घर है जयप्रकाश भाई का, और ये बिल्कुल पहाड़ों के बीच में है, और यहीं से होते हुए मंदाकिनी वाटरफॉल जाता है। तो उनका घर दिखाता हूँ आपको, और यहाँ पर जो पत्ते लेकर आए हैं देख सकते हैं, इसे यहाँ पर जो भैंस हैं पड़वा हैं वो यहाँ पर खा रहे हैं।
अभी हम आ गए हैं जयप्रकाश भाई के घर और यहाँ पर देख सकते हैं ये पानी का सोर्स ये यहाँ तक पहुँच चुका है। तो भाई जयप्रकाश भाई, ये पानी का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं आप लोग? नहाते हैं, धोते हैं, केला में पटाते हैं। अच्छा, धान में? हाँ, भैंस को पानी पिलाते हैं, धोने के लिए नहीं पड़ता है। अच्छा, तो ये बारह माह आता है ऐसा पानी? तो कहाँ से आता है ये पानी? झरना से पानी आता है। तो झरना तक के लिए पूरा नाली बना है क्या? पूरा नाली बना है। तो ये अभी का है कि बहुत पुराना है? बहुत पुराना नाली। कितना पुराना होगा, कितना पीढ़ी? दादा दादा से भी। अच्छा, बहुत पुराना। दादा पर दादा से भी पुराना है? हाँ, बहुत पुराना है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर मुझे एक खिलौना दिखा, ये तेल का एक्चुअली डब्बा है। ये देखिए, ये तेल का डब्बा को यहाँ पर खिलौना बनाया गया है। तो इसमें चप्पल, जो पुराना चप्पल है, उसको यहाँ पर गोला बना दिए हैं, देखिए इधर, और ये तेल का डब्बा है, उसको ऊपर से फाड़ दिए हैं, अंदर में मिट्टी डाले हुए हैं, और ये खिलौना गाड़ी है। तो ये गाड़ी से बच्चे यहाँ पर खेलते हैं, क्या बात है। अभी हम जयप्रकाश भाई के घर आ गए हैं, देखिए ये घर है, और बहुत ही सुंदर घर है ये, और ये यहाँ का आंगन है देखिए, और बैठने के लिए बहुत ही अच्छा यहाँ पर ऐसा चौरा बनाया गया है जिसमें आराम से बैठ सकते हैं, और इसे गोबर से लिपा गया है और बहुत ही क्लीन है। और ये हमारे जयप्रकाश भाई का घर है, और ये घर का एंट्री है, उनका डिज़ाइन देखिए आप, कितना बढ़िया है ना, खूबसूरत। तो ये घर में, घर की दीवारों में इस तरह से ऐसा फूल बनाते हैं, और घर के बाहर में देख सकते हैं इस तरह से कपड़े लटकाए हुए हैं। तो ये है डंगनी, जिसमें दिनचर्या के जो कपड़े होते हैं उसको ऐसे टांग कर रखते हैं। और यहाँ पर है बैठने के लिए खटिया, जिसमें बैठते हैं। तो दोस्तों, सोर्स तो आप लोग को पता चल ही गया होगा। तो ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए, इससे हमारे वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहेगा। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।